करनाल एक तरफ नगर निगम के अधिकारी शहर को स्मार्ट बनाने के दावे करते नहीं थक रहे, वहीं आज तक निगम कुत्तों का समाधान नहीं कर पाया। अब आलम यह है कि कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कम से कम रोजाना 10 से 15 लोग कुत्तों के काटने से घायल हो रहे हैं। कुत्ते बच्चों से लेकर महिलाओं व बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि नागरिक अस्पताल में पिछले 12 दिन से एंटी रेबीज इंजेक्शन ही नहीं है। अस्पताल में मरीज टीका लगवाने के लिए चक्कर काटते रहते हैं, उन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाकर टीका लगवाना पड़ रहा है। अब शहर के लोग अधिकारियों से गुहार लगाकर थक गए हैं। ऐसे में वे कुत्तों से ही रहम की दुहाई दे रहे हैं। कुत्ते व बंदर के काटने से आते हैं 40 से 50 मरीज नागरिक अस्पताल में हर रोज। ऐसे में 12 दिन से एंटी रेबीज के टीके अस्पताल में नहीं है, इस कारण मरीजों को भटकना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ मरीज प्राइवेट अस्पताल तो कुछ कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में टीका लगवा रहे हैं। गलियों से गुजरते हैं तो टांग पकड़ लेते हैं कुत्ते। शहरवासियों का कहना है कि कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गलियों में कुत्ते बैठे रहते हैं, जब उनके पास से गुजरते हैं तो कुत्ते टांग पकड़ लेते हैं, काट लेते हैं। ज्यादातर कुत्ते स्कूल आते जाते समय बच्चों को काटते हैं। उन्होंने कई नगर निगम में शिकायत भी की है कि वे कुत्तों की समस्या से निजात दिलाएं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। कुत्ते व बंदर के काटने पर लगते हैं 4 टीके। कुत्ते व बंदर के काटने पर पीड़ित को 4 टीके लगते हैं। सरकारी अस्पताल में पीड़ित को हर टीके के लिए 100 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में यह टीका 3 गुना दाम लेकर लगाया जाता है। तो आप देखते रहो गाड़ियों के पीछे भागेंगे और लोगों को काटते हैं, जगह जगह इतनी गंदगी करके रखते हैं। सरकार का कोई इनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं है, ध्यान देना चाहिए। बच्चों को काट देते हैं। अभी कल ही यहाँ पे एक एक्टिवा को लेके जा रहा था एक छोटा लड़का, उसको कुत्ते ने एकदम झपटा, उसे उसके एक्टिवा भी टूट गई। ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान देती नहीं है और मल्टियों पे लगे पड़े हैं। काम धंधे भी नहीं है साले, ये भी करते। बहुत ही दिक्कत आती है यहाँ पे, जो भी निकलता है और कुत्ते या उसको भागते हैं, दौड़ते हैं, काटते हैं, क्या है, बहुत दिक्कत आती है। सीएम सिटी में इतना दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा कुत्ते की तादाद बढ़ती जा रही है। इधर भी आप देखो, इधर भी देखो, कुत्ते बढ़ते हैं। 4 बच्चे दिए, इसने 6 बच्चे दिए। अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। रेबीज इंजेक्शन पूरे हरियाणा में HMSCL कॉरपोरेशन है, हमारा जो मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन है स्टेट लेवल पे, उन द्वारा सप्लाई ऑर्डर किए जाते हैं और वो सप्लाई ऑर्डर वेयर हाउसेस को सप्लाई आती है। तो ये पूरे वेयर हाउसेस हरियाणा में जो 7 वेयर हाउसेस हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत, उनमें एक वेयर हाउस 3-3 डिस्ट्रिक्ट कैटर करता है, तो उसके तहत सभी जगह सप्लाई अभी कहीं नहीं आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग लेवल से ऑर्डर किए हुए हैं, उनके सैंपल जो ही आएंगे वेयर हाउस में आ जाएंगे, टेस्टिंग होके हम शुरू कर देते हैं। तब तक यदि कोई शॉर्टेज आती है तो हम हर वेयर हाउस के कांटेक्ट में रहते हैं। अब अम्बाला वेयर हाउस से हमारे को 200 इंजेक्शन डिस्ट्रिक्ट करनाल के लिए, 200 पानीपत के लिए, 200 कुरुक्षेत्रा के लिए आज शाम तक पहुंचने के लिए बात हो गई है। आज दोपहर या शाम तक हमारे पास इंजेक्शन वेयर हाउस में आ जाएगा और कल से जो 200 इंजेक्शन है वो सबको बेनिफिशियरीज को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम जनता को प्राइवेट में ज्यादा पैसे, प्राइवेट इंजेक्शन के बारे में अभी थोड़ा सा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉस्ट फैक्टर भी है और उनका सप्लाई प्राइवेट इंजेक्शन, प्राइवेट हर दुकान पे इंजेक्शन मिलता भी नहीं है और जहाँ पे ये इंजेक्शन आ रहे हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में हम 100 रुपये फीस लेके इंजेक्शन लगता है, उसकी कॉस्ट बाकी सरकार कॉस्ट अपने लेवल पे बयान करती है। तो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे? जल्दी हमारी डिमांड जो है हर महीने, हर एज एंड वैन जब हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं हम ऊपर भेजते रहते हैं। ये सप्लाई ऑर्डर हुआ है कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग होके जितनी जल्दी आ जाएंगे हम अपना रिमाइंडर 15 दिन में भी भेजते हैं। और जब भी हमारे को इधर उधर से कोई अरेंजमेंट और शॉर्ट हो जाता है या अरेंजमेंट हो जाता है तब भी हम एक लेटर डाल के डिमांड अपनी भेजते रहते हैं।